हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या भानुभारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। उसमें हम आ गए थे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र के और राज्य के संबंध कैसे होंगे। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को दोबारा से बनाना, यानी कि संबंध स्थापित करना ही एक प्रकार का एक तरीका था संघवाद को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंडिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट, यानी कि ये सत्ता के बंटवारे का असल जिंदगी में सत्ता के बंटवारे का जो संवैधानिक व्यवस्था कर रखी है वो पूरी तरह से निर्भर करती है ज़्यादातर किसके ऊपर, रूलिंग पार्टीज एंड लीडर, यानी कि जो करंट में जो शासन करने वाली जो पार्टी है और उसके लीडर कैसे इसको फॉलो करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट, काफ़ी लंबे समय तक एक ही पार्टी जो कि सेंटर में भी और राज्य सरकारों में भी वही शासन करते आ रही थी। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज, इसका मतलब यह था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट, इसका मतलब यह था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे यानी कि राज्य की सरकारें थी वो अपनी शक्तियों का यानी अपने अधिकारों का जो पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता से निर्वहन नहीं करती थी। एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, जैसे ही जो रूलिंग पार्टी थी केंद्र की और राज्य की राज्य स्तरीय अगर जब वो अलग अलग हुई, द पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो पार्टी केंद्र सरकार में है यानी कि सेंटर में है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को क्या करने की कोशिश करती है, अंडरमाइन करने की कोशिश करती है। इसका एग्जाम्पल आप आजकल देख सकते हो, अपने जो ये दिल्ली सरकार है और हमारी केंद्र सरकार है तो दोनों में डिफरेंट पार्टियाज हैं, दोनों केंद्र सरकार की अलग पार्टी की और दिल्ली सरकार की अलग है, तो उनकी आप खींचतान अक्सर देखते मिलोगे रोज़मर्रा के उसमें न्यूज़ में। इन दोज डेज द सेंटर, ऐसे आप पश्चिम बंगाल का एग्जांपल ले सकते हो, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी, और उन दिनों में क्या होता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि जो केंद्र सरकार थी वो क्या करती थी, संविधान का दुरुपयोग करके डिसमिस कर देती स्टेट गवर्नमेंट को जो कि उनकी विरोधी पार्टियों के द्वारा बनाई गई हुई सरकारें होती थी राज्य की, उसको वो क्या करते डिसमिस कर सकती थी। इसका एग्जांपल आप अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी मध्य प्रदेश में हुआ, पहले कांग्रेस की पार्टी थी अब उसको डिसमिस करा के वहाँ पे क्या आ गई है केंद्र की वो बीजेपी की ही सरकार आ गई है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन इस प्रकार की जो ये प्रैक्टिसेस है ये क्या करती है फेडरलिज्म का यानी कि संघवाद की जो स्पिरिट है संविधान में उसको क्या करती है वो कम करती है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और ये सारे के सारे चेंजेस आए 1990 के बाद। दिस पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और यही समय माना जाता है यही काल माना जाता है कि भारत में बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां थी जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां राज्यों में उभर के आई देश के अंदर। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, और यही वो समय था कि केंद्र में गठबंधन की सरकारों का युग शुरू हुआ। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, और तब से लेके
लोकसभा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब बीजेपी को छोड़ के, वैसे तो उन्होंने भी अपना अलायंस बना रखा है एनडीए के नाम से, कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था इससे पहले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले। द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू अलायंस, और जो नेशनल पार्टी, जो नेशनल मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, द नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू अलायंस, और जो राष्ट्रीय पार्टियाँ थी उनको क्या करना पड़ रहा था, अपना अलायंस करना पड़ रहा था बहुत सारे सेवरल रीजनल पार्टी से, यानी कि अक्षेत्रीय पार्टियों से, टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, केंद्र में राज्य सरकार बनाने के लिए। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, और यह है, इससे क्या हुआ कि सत्ता के हस्तांतरण का या सत्ता के बंटवारे का एक नया ही कल्चर शुरू हो गया, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य की स्वतंत्र सरकारों के प्रति क्या बढ़ी, और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाई मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस टाइम पे जो इस जजमेंट को और भी सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो इसको उन्होंने क्या किया, डिफिकल्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी, या आर्बिट्रेरी यानी कि अपनी इच्छा से, आर्बिट्रेरी क्या होता है, अपनी इच्छा से उसको नहीं बंद कर, ख़त्म कर सकती। दिस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे देन इट वॉज इन अर्ली ईयर्स, और द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और यह है जो फेडरल यानी कि जो संघीय सत्ता का बंटवारा ज़्यादा आज के टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव है। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव, इस प्रकार जो ये सत्ता का बंटवारा है, जो संघीय सत्ता का बंटवारा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली रहा आज के टाइम में देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कंपेयर टू अर्लियर ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के निर्माण के शुरुआती सालों के दौर से पहले आज की जो सरकारें हैं उसमें फेडरल सिस्टम बहुत ज़्यादा रहा, प्रभावशाली रहा। द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर, यहाँ पे देखो ये पावर ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे देखो कि ये केंद्र सरकार, ये कार्टून में दिखाया हुआ, और ये स्टेट हैं, ये सब स्टेट्स हैं ना, मोर पावर यानी कि अपने आप, अपने राज्यों को ज़्यादा सत्ता की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखो ये कोएलिशन गवर्नमेंट का दिखाया हुआ है, यानी कि कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि गद्दी पर ये बैठा है प्रधानमंत्री, रूलर है, और इसको किन किन का समर्थन है, क्षेत्रीय पार्टी का, तो ये कार्टून के फॉर्म में दिखाया गया है। हमारे 2014 से पहले यानी कि अभी रिसेंटली एनडीए है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उससे पहले की जितनी भी सरकारें थी वो सारी की सारी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, यानी कि गठबंधन की सरकारें थी, और इन कार्टूनों में यही दिखाया गया है। हेयर आर टू कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ये दोनों कार्टून ही क्या बता रहे हैं, केंद्र के और राज्य के संबंधों को बता, शो कर रहे हैं, इनकी दर्शा रहे हैं। शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद ए बैगिंग बाउल, क्या स्टेट को सेंटर के पास जाना चाहिए भीख मांगने, भीख वाले कटोरे के साथ मांगते हुए। हाउ कैन द लीडर ऑफ कोलिशन कीप द पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, और कैसे कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार का जो नेता होता है, सभी पार्टनर्स को, उसके जो पार्टनर होते हैं उन सब को क्या सरकार में, उनको कैसे वो सेटिस्फाइड करता है, यानी कि उनको संतुष्ट कैसे रखता है। आर यू सजेस्टिंग डैट रीजनलिज्म इज़ गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी, क्या आप यह समझा रहे हैं कि जो अक्षेत्रवाद है वो लोकतंत्र के लिए सही है। आर यू सीरियस, ये क्वेश्चन आपके सामने, कि क्या आप यह समझाना चाह रहे हो कि जो अक्षेत्रीय सरकारें हैं यानी कि अक्षेत्रवाद है वो लोकतंत्र के लिए सही है। ओके, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में भाषाई आधार पर विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया, भारत के अंदर कितनी भाषाएं कैसी हैं, भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट्स इट्स, और ये इसका जवाब इसके ऊपर निर्भर करता है कि
कोई इसको कैसे काउंट करता है, यानी कैसे गिनता है। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के से हमें जो अभी ताज़ा जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया कि दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। इसमें यह इस जनगणना में यह रिकॉर्ड किया गया कि अपने यहाँ पे 1300 से ज़्यादा क्या है अलग अलग भाषाएं हैं। विच पीपल मैंशन एज देयर मदर टंग, जिसको लोगों ने बताया है कि वो उनकी क्या है मातृभाषा है। एंड दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर चेंजेस, और इन भाषाओं को कुछ बड़ी बड़ी लैंग्वेज के अंदर ग्रुप किया गया। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी। इस प्रकार ये कुछ रीजनल लैंग्वेजेज हैं जो कि हिंदी भाषा के अंदर आती हैं, हिंदी भाषा के समूह में आती है। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेज, इन ग्रुप के बाद भी जनगणना में क्या पाया कि भाई 121 बड़ी बड़ी भाषाएं हैं। ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेज आर नाउ इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसमें से अब 22 आठवीं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई है। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस, जिसको शेड्यूल लैंग्वेजेस बोला जाता है। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्स, और अन्य जो भाषाएं हैं उनको क्या बोला जाता है नॉन शेड्यूल, यानी कि ये संविधान में अनुसूचित नहीं है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार हम भाषा के ट्रम में, भाषा के आधार पर कह सकते हैं कि भारत क्या है बहुत ही डाइवर्स, यानी कि बड़ा ही विभिन्नता वाला देश है। ए लुक एट द क्लोज टेबल मेक्स इट क्लियर दैट नो वन लैंग्वेज इज मदर टंग ऑफ द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर हम इनको जो है टेबल बना के अगर हम इसमें देखेंगे तो जो भाषाएं हैं और उसको बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे तो कोई भी ज़्यादा संख्या वाली भाषा नहीं है, जो कि एक भाषा ज़्यादा संख्या नहीं है लोगों की जो एक भाषा बोलते हैं। द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% इंडियन, और ज़्यादातर लोगों की जो मातृभाषा है वो 44% वो क्या है भारतीयों की है। इफ वी एड टू ऑल दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज द टोटल नंबर वाज स्टिल लेस देन 50% इन 2011। यदि हम अन्य भाषाओं को भी हिंदी के साथ मिक्स कर दें तो फिर भी 50% से कम ही जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग, और इंग्लिश के मामले में केवल 0.20% लोग ही केवल इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हैं। अनदर 11% न्यू इट एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, और बाकी 11% लोग हैं वो क्या जानते, वो जानते इसको सेकेंड और थर्ड लैंग्वेजेस, इनको सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज मानते हैं इंग्लिश को और हिंदी को। रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट, इस टेबल को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको मेमोराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मेक ए बार और ए पाई चार्ट, एक बार या पाई चार्ट बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे। प्रिपेयर ए मैप ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक मैप तैयार करो इंडिया का बाय शेडिंग द रीजन वेयर ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज स्पोकन ऑन द मैप ऑफ इंडिया, और उसमें कलर देना है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। फाइंड आउट अबाउट एनी थ्री लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल, उन अन्य तीन भाषाओं के बारे में भी पता लगाओ जो कि भारत में बोली जाती है जिनको इस टेबल में शामिल नहीं किया गया। ये हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ये भारत की संविधान में जो हमारे संविधान में जो अनुसूचित है
भाषा है, 8वीं अनुसूची में ये है वो। और इसमें पोर्शन भी बता रखा है कितने प्रतिशत लोग, कितने अनुपात में लोग उसको बोलते हैं। जैसे असमी लैंग्वेज है उसको केवल 1.26 बोलते हैं, बंगाली को 8.03, बोडो को 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.48, हिंदी 43.63, कन्नड़ा 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.11, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, उड़िया 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत नील 47 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.60, उर्दू 4.19, एन स्टैंड फॉर नेग्लिजेबल, यानी कि एन का मतलब यहाँ पे संस्कृत नेग्लिजेबल है, यानी कि जिनका पता ही नहीं कि बोलते भी है या नहीं बोलते। वैसे दावे तो यही किए जाते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज ही बोलते कहीं पे। रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम ए आर्टिकल बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा दैट अपियर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 2006। ये रामचंद्र जो हमारे फेमस इतिहासकार थे रामचंद्र गुहा, उनके द्वारा ये एक्सेप्ट है, ये कटिंग है न्यूज़पेपर की, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 2006 में इसको क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। दिस द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स अगो, यानी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने वाला जो आयोग था वो 50 साल पहले बनाया गया था, ऑन नवंबर 1956, इनकी 1 नवंबर 1956 को। दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइफ ऑफ द नेशन। और उस तब से लेकर अब तक इसमें पूरी तरह से क्या आ गए, हमारे राष्ट्र में पूरी तरह से बदलाव आ गए हैं। गांधी एंड अदर लीडर्स प्रोमिसेज देयर फॉलोवर दैट वन फ्रीडम केम, गांधी ने और उनके अन्य नेताओं ने और उनके जो फॉलोवर्स थे उनको बोला था का द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन ए न्यू सेट ऑफ प्रोमिसज, जो नया राष्ट्र होगा नए प्रोमिसज यानी कि नए प्रांतों से बना हुआ होगा, एंड दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, और वो सिद्धांत होगा कौन सा, भाषा का। हाउ एवर वैन इंडिया वॉज फाइनली फ्रीड इन 1947 इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में इसका विभाजन भी हो गया। पार्टीशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीमोर्डियल अटैचमेंट टू वंस फेथ, और जो पार्टीशन था यानी कि जो बंटवारा था वो पूरी तरह से किसका परिणाम था कि एक दूसरे का जो फेथ था यानी कि हिंदुओं का अपने धर्म में और मुस्लिमों का अपने धर्म में, तो उसकी ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से हुआ। हाउ मैनी मोर पार्टीशन वुड दैट अदर प्रीमोडियल लॉयल्टी लैंग्वेजेस एंड लीड्स टू, और अन्य कितने पार्टीशन होंगे भाषा के आधार पे, ईमानदारी के आधार पे। सो रैन द थिंकिंग ऑफ नेहरू पटेल एंड राजाजी, सो नेहरू पटेल और राजाजी के बारे में सोचो। फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प्ड स्ट्रेंथन इट, लेकिन इन भाषाई आधार पर यानी कि भारतीय एकता को कम करने की बात से दूर, ये जो क्षेत्रीय आधार पर राज्य स्टेट का यानी कि राज्य का निर्माण हुआ है, उन्होंने तो क्या किया, देश की एकता को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत किया है। इट हैज़ प्रूव टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कन्नाडिगा एंड इंडियंस, और यह है बंगाली एंड इंडियंस, तमिल एंड इंडियंस, गुजराती एंड इंडियंस। टू बी श्योर दीज स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज समटाइम्स क्वाल विद वन अनदर, हाँ यह भी श्योर है कि ये स्टेट कभी एक दूसरे के प्रति भाषा के आधार पे लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन
फिर भी ये अपनी भाषा को और इंडियंस को यानी कि भारतीयता को साथ साथ लिए हुए हैं। वाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रेटी दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फार वर्स। हालांकि ये जो ये झगड़े होते हैं ये इतने अच्छे भी नहीं होते और ये और भी ज़्यादा बुरे भी हो जाते हैं। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज अलाउ इंडिया टू एस्केप व्हाट माइट हैव बीन वाज फेट स्टिल। और भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण यह अलाउ करता है इंडिया को कि भाई कुछ बुरा परिणाम न हो। इफ द सेंटीमेंट्स ऑफ द नेटिव स्पीकर ऑफ तेलुगु मराठी एटसेट्रा ऑल हैड बीन डिसरिगार्डेड व्हाट वी हैव माइट हैव हेयर वाज वन लैंग्वेज 14 और 15 स्टेट्स। अब सपोज करके देखो यदि हम तेलुगु मराठी भाषा के जो नेटिव है जो बोलने वाले अगर उनकी भावनाओं के हम अदर न करेंगे यानी कि हम उनको डिसरिगार्ड करेंगे तो क्या होगा कि लैंग्वेज के आधार पर कितने राष्ट्र बन जाएंगे, 14 से 15 हमारे यहाँ पे देश बन जाएंगे। तो इसी बीमारी से बचने के लिए यानी कि इसी परिणाम से बचने के लिए अपने यहाँ पे इनको क्या दिया, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया है। ठीक है, तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ओन स्टेट और एनी अदर स्टेट। आप अपने खुद के राज्य का या किसी अन्य राज्य का उदाहरण ले सकते हो। दैट वॉज अफेक्टेड बाई लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण हुआ है भाषा के प्रभाव से। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट गिवन बाई द ऑथर। यह ऑथर के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट दी गई है उसके अगेंस्ट में आप अपने आर्ग्यूमेंट दें ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जाम्पल। आप उस उदाहरण के आधार पर आप अपना स्टेट के उदाहरण के आधार पर वो एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो पढ़ेंगे, वो भी पावर शेयरिंग का ही एक रूप है।